हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर फोर से एक्सरसाइज 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, शुरुआत अब एक्सरसाइज 4.3 से करेंगे। बट उससे पहले जो आपके कुछ डेफिनेशन और भी हैं, जो कि आपकी जो ये डेफिनेशन है इनका यूज़ जो है इन एक्सरसाइज में आज होगा, ठीक है। इसलिए मैं एक बार आपको क्या करूँगी, यहाँ से ये एक बार रीड करके इनको एक्सप्लेन करूँगी। अब ये जो आप एक्सरसाइज देख सॉरी जो ये आप डेफिनेशन देख रहे हो यहाँ पर, एंगल्स के बारे में है, टाइप्स ऑफ एंगल्स है, जो कि आप ने ये देख कर ही यहाँ से समझ लिया होगा कि ये मैंने आपको क्लास सिक्स में भी एक्सप्लेन की थी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। आप चाहें तो अपनी बुक जो क्लास सिक्स की है उसमें ये आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, मैंने आपको नोट डाउन कराई थी वहाँ से, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेजरिंग एंगल से। तो एंगल्स जो होते हैं जब उनको आप मेज़र करते हो वो किस चीज़ से करते हो, तो आपके सभी के माइंड में जो एंगल को मेज़र करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। तो वो किस शेप का होता है, डी का होता है, ठीक है, उसको डी भी बोलते हैं। इस तरह से बना होता है, यहाँ पे एंगल बने होते हैं, लिखा होता है, ओके। चलिए ये तो हुआ एंगल के बारे में। एंगल जो है आपका किस चीज़ में मेज़र किया जाता है, डिग्री में किया जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले जो आपका एक्यूट एंगल होता है उसमें क्या याद रखना है आपको कि उस जो एंगल आपका जीरो डिग्री से क्या होता है, मोर देन, और 90 डिग्री से लेस देन होता है, वो आपका एक्यूट कहलाता है। यानी कि जीरो डिग्री से 90 के बीच के आपके एक्यूट के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, जो आपका 90 से क्या होगा, आपका मोर देन होगा, और 180 से क्या होगा, लेस देन होगा। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं 90 से 180 के बीच में आने वाले आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राइट एंगल की। राइट एंगल जो क्या होता है, जो एग्जैक्टली क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह की फिगर आती है, वो आपका राइट एंगल होता है। अब है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, आपका बिल्कुल इस तरह से बना होता है, यहाँ पे ये शो करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री एंगल। यानी कि एन एंगल हुज मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका, जो एंगल आपका 180 से क्या होता है, मोर देन होता है, और 360 से लेस देन होता है, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल में आता है। लाइक मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से, जैसे कि आपका यहाँ पे तो 180 आ गया, अब इससे जितने भी नीचे की तरफ जाएंगे वो एंगल इस तरह से, ये वाले एंगल, ये सब आपके रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब है कंप्लीट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। यानी कि जब आपका एंगल कंप्लीट 360 का इस तरह से बनेगा, ठीक है, वो आपका कंप्लीट एंगल होगा। और जीरो क्या होगा, जो स्टार्ट हो, एन एंगल हुज मेजर इज जीरो डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। यानी कि जो एंगल आपका जीरो से मापन, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से होती है, तो वो आपका क्या होता है, जीरो एंगल होता है, ओके। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है वही आपको यहाँ पे इसका इंक्लूड करके चलना है। तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन देगा आपको बस उसके आंसर करने हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देख लेते हैं। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। तो आपको क्या करना है, ये फिगर देख रहे हो आप साइड में, इसमें से देख कर आपको एंगल के नेम बताने हैं, ठीक है। तो सिंपल है, एंगल कौन से होते हैं, जब टू लाइन सेगमेंट एक वर्टेक्स बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये टू लाइन सेगमेंट है, और ये आपका क्या हुआ यहाँ पर एक वर्टेक्स, यानी कि कोना बोलते हैं, जिसको कॉर्नर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब दो लाइन सेगमेंट मिलकर इस तरह से बनाती है, कॉर्नर बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, वो एंगल कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये आपके इसी तरह से इसमें कितने हुए यहाँ पे, यहाँ से देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4 इस तरह से यहाँ पर आपके इसने कहा है कितने, आपको कोई भी बता देने हैं, ओके। तो आपको जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं उसको नाम दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें लिखा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो आपको डायग्राम दिया हुआ है इसने यहाँ पर, ये देख सकते हैं इधर साइड में, इसको इससे आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन द इंटीरियर DOE, तो यहाँ पे DOE लिखा कहाँ है, सबसे पहले तो आपको वो देखना है। तो DOE जो है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पर साइड में है, ये रहा डी, ठीक है, ओ और ई। तो इसने कहा है यहाँ पे कि इंटीरियर ऑफ DOE के बीच में इंटीरियर कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा,
ठीक है, इंटीरियर, क्योंकि वो आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बट आप अपनी बुक का जब यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा तो वहाँ पर इनके बीच में इंटीरियर पॉइंट एक ए है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर ए है। फिर एक्सटीरियर में क्या है इसका, तो इसका आंसर क्या है एक्सटीरियर का, सी है, क्योंकि बाहर आपका पॉइंट। एक्सटीरियर क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको एक बार उसमें क्लास फिफ्थ में बताया था, एक्सटीरियर क्या होता है बाहर की तरफ जो पॉइंट होता है, और इंटीरियर क्या होता है जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनके ही नेम बताने हैं। सी में कहा है ओन ई ओ एफ, यानी कि ओन का मतलब होता है जब लाइन के ऊपर हो कुछ, तो ई ओ एफ कहाँ है आपका, ये रहा, जहाँ पे भी बोलता है बस उसको देखना है, तो ई ए रहा, ओ ये रहा, एफ ये रहा, तो ये वाली फिगर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इस पर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का बी, तो यानी कि इस पर क्या है, बी है, यानी कि इस, आप देख सकते हो फिर से एक बार देख लीजिए, ई ये है, ओ ये है, एफ ये है, तो अगर मैं इस लाइन को इससे ज्वाइंट कर देती हूँ, तो इस ज्वाइंट करते वक्त आप देखिए कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो सिर्फ केवल बी आ रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी हुआ, ठीक है। अब जो थर्ड है, इसके मैं आपको टू पार्ट कराऊंगी, बाकी के पार्ट आप सेल्फ करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, आपको क्या करना है, एक रफ डायग्राम तैयार करना है और इस जो पॉइंट्स नीचे लिखे हैं ए बी सी डी, इनको फॉलो करते हुए चलना है। तो इसने कहा है कि जब आप टू एंगल्स बनाओगे, तो उसमें आपको टू एंगल्स बनाते वक्त यहाँ पे ये जो ए पार्ट है, इसमें ध्यान देना है कि आपका वन पॉइंट कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे आएगा वो, यहाँ पे देखिए, तो मैं अगर इस तरह से कोई फिगर बनाती हूँ, मैं देखो यहाँ पे सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिया है, ठीक है, इससे मैंने इस तरह से एंगल बनाए, तो इनके नाम एंगल क्या बन गए आपके, एंगल ए ओ बी बना, एक बना आपका एंगल ओ सॉरी बी ओ सी, एक बना आपका सी ओ डी, या फिर ठीक है इस तरह से। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं एंगल ए ओ बी लिया और अगर मैं एंगल बी ओ सी लेती हूँ, तो उसमें से मेरा कॉमन दो चीज़ें आती हैं, यानी कि अगर मैं एंगल ए ओ बी लेती हूँ और एक एंगल में अगर बी ओ सी लेती हूँ, तो वन, उसने कहा कि वन पॉइंट कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहाँ मेरे टू पॉइंट कॉमन बन रहे हैं, एक तो ओ कॉमन आ रहा है और एक बी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको नहीं कॉमन लूँगी, मैं इस वाले एंगल को इंक्लूड नहीं करूँगी, मैं करूँगी एंगल डी ओ सी को, तो केवल मेरा यहाँ पे ओ कॉमन आएगा, ठीक है इस तरह से। अब इसी तरह से बी वाला पार्ट है, इसमें भी आपको एक फिगर इसी तरह से बनानी है। आप फिगर मतलब कि इस तरह से बना के चले कि आपका जो क्वेश्चन में बोला है केवल वही पॉइंट कॉमन आए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन, मैंने फिर से वही एंगल बनाए, एक पहला लिया मैंने एंगल ए ओ बी और एक लिया मैंने एंगल बी ओ सी, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसमें दो पॉइंट कॉमन लाने हैं, तो मेरा ओ बी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है, तो कौन से हो गए आपका आंसर, ओ और बी, ठीक है। इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट ट्राई करना, ओके स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.4, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है आपको क्वेश्चन में ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपको एक रफ स्केच है जो आपकी, उसको ड्रॉ करना है ए बी सी को, और फिर इसने कहा है कि मार्क पॉइंट पी, एक मार्क करना है पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड आपको मार्क करना है, एंड एक पॉइंट क्यू, और एक पॉइंट आपको बनाना है क्यू, उसको क्या करना है इन इज एक्सटीरियर, उसको क्या करना, इट्स एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ पॉइंट करना है, ठीक है। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट इज इंटीरियर, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फिर आपको ये भी बताना है कि ए जो है आपका इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है, ये भी बताना है आपको। चलिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले हमने फिगर बना ली ए बी सी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ए बी सी बना ली। उसके बाद उसने क्या कहा था, जो जो हमने उसने बोला था वही वही हम करते चले गए। उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आपको एक पॉइंट अंदर लेना है पी और जो क्यू है वो बाहर लेना है, ठीक है। अब उसने पूछा है आगे कि ए जो है आपका एक्सटीरियर है इंटीरियर, तो यस स्टूडेंट्स ये आपका ना तो एक्सटीरियर है और ना ही ये आपका इंटीरियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पर। इसमें क्या कहा है, इसमें आपको चार पार्ट दिए हैं, चार में से दो मैं कराऊंगी, बाकी क्या आप सेल्फ करना, ठीक है। तो ए में इसने बोला है आइडेंटिफाई द थ्री ट्राइंगल्स इन द फिगर, तो फिगर दे रहे हो आप ये साइड में, इसमें से आपको तीन ट्राइंगल बनाने, तो ट्राइंगल की सेप कैसी होती है स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्राइंगल की सेप इस तरह से होती है, यानी कि जब तीन लाइन थ्री लाइन सेगमेंट एक दूसरे को ज्वाइंट करती है वो आपका ट्राइंगल बनता है। तो कौन सा बन सकता है इसमें से आपका, एक आपका ये बन रहा है यानी कि ए बी डी, एक कौन सा बन रहा है ए डी सी, और एक कौन सा बन रहा है ए बी
सी, ये बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो बस इनके नेम लिख देंगे फिर हम यहाँ पर, जैसे कि आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, बस इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको क्या करना है, बी पार्ट करना है। इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में, बी में राइट द नेम्स ऑफ सेवन एंगल्स, तो सेवन एंगल्स के आपको नेम देने हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, एंगल्स के जब आप नाम लिखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रख के चलें कि इस तरह से शेप आनी चाहिए इस तरह की, ठीक है। तो जैसे कि एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया आपका, अब एंगल ए नहीं ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये एंगल अगर आप लोगे ये इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको आप इस तरफ से लेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे इस तरह से, एंगल बी हो गया एक तो एंगल सी हो गया, फिर एंगल बी ए सी लिखेंगे, एंगल बी ए डी लिखेंगे, एंगल सी ए डी, फिर इस तरह से एंगल ए डी बी लिखेंगे, फिर एंगल डी सॉरी ए डी सी लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब है आपके एक्सरसाइज 4.5। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, आपको क्या करना है, एक रफ स्केच तैयार करना है, उसकी शेप जो कौन सी होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होनी चाहिए। उसका नाम क्या रखेंगे, चारों जो कॉर्नर बनेंगे फिर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में कितनी लाइन होती है, फोर लाइन होती है, तो फोर ही कॉर्नर आएंगे, पी क्यू आर एस, उनके नेम लिखेंगे, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, उसमें आपको डायगोनल्स भी शो करनी है, ठीक है, नेम द इट इज़ द मीटिंग पॉइंट, और जो पॉइंट आपका आएगा डायगोनल्स का जब आप बनाओगे तो इंटीरियर उस पॉइंट का नाम भी देना है। चलिए कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल की शेप कैसी होती है, एक तरह से आपकी रोंग उसकी जो शेप होती है ना स्क्वायर की, उस तरह की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, पी क्यू आर एस एक शेप बनाई, ये डायगोनल्स क्या होते हैं, जब आपके अंदर की इस तरह से ये एस क्यू क्यू से मिलाते हैं और आर आर को पी से इस तरह से मिलाते हैं, तो जो पॉइंट ये कट रहा है ये आपका क्या लाएगा, क्या इंटीरियर पॉइंट क्या लाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है इसमें, इसने कहा है ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन स्टेट, यानी कि आपको एक फिर से क्वाड्रिलेटरल शो करना है, एक फिगर बनानी है, के एल एम एन नाम होने चाहिए उनके फिगर के, और इस बार इसने चार क्वेश्चन पार्ट दिए हैं आपको, चारों करने हैं, इसमें से दो मैं कराऊंगी, दो आप करना, ठीक है। इसमें कहा है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टू अपोजिट साइड्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, अपोजिट साइड्स का मतलब होता है आपका जो आमने सामने के होते हैं, यानी अपोजिट का मतलब, ठीक है, और आपका जो ये साथ में दिया है नीचे एडजेसेंट, इसका मतलब होता है नेबर, यानी कि पड़ोसी, बगल वाले, बस ये चीज़ का ध्यान रखना, अपोजिट मतलब आमने सामने और एडजेसेंट जो होता है आपका पड़ोसी, यानी कि नेबर, बस अगर ये चीज़ आपको याद है तो आप इसका आंसर बिल्कुल ईजिली कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हमने क्या करें, यहाँ पर फिगर बनाई है इसकी, हमने नेम, उसने बोला था कि इसके नेम देना है, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कोई फिगर बना रहे हो तो अगर उसके नेम देने हैं, तो जैसे कि मैं इसको ए लिखूँगी, फिर बी सी डी, यानी कि एक सीक्वेंस होनी चाहिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर डी, इस तरह से, ठीक है, ये नहीं कि ए यहाँ लिख दिया और सी यहाँ लिख दिया और डी यहाँ लिख दिया, मतलब कि कुछ भी ऐसा कहीं भी ऐसे नहीं लिख सकते हम, एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर वे में इसको लिखना होता है, ठीक है। तो के एल फिर एम एन, यहाँ पे देख सकते हो फिगर में यहाँ पे लिख दिया। अब उसने क्या बोला है, तो टू पेयर्स बताने हैं, टू पेयर्स मतलब जैसे कि के एल है, ठीक है, तो इसके सामने क्या है आपका एम एन होगा, इसी तरह से फिर दूसरा ले लीजिए, अगर मैं के एन ले रही हूँ तो इसके सामने क्या है, एल और एम है, ठीक है, ये हो गया आपका अपोजिट साइड्स। साइड्स क्या होती हैं, जो आपकी लाइन होती है, जब टू पॉइंट्स एक लाइन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ, जैसे ये दो पॉइंट है और इनको मैं टच कर देती हूँ, तो ये क्या होती है, साइड होती है किसी भी फिगर की, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अब उसने कहा है अपोजिट एंगल्स, एंगल्स क्या होंगे अपोजिट, यानी कि फिर से इसके आमने सामने वाले, यानी कि के सामने क्या है, एम है भाई, के जो है आपका, के जो है के सामने क्या है आपका, एम है, और एम के सामने क्या है, एल है। तो एंगल क्या होता है, एंगल की शेप, एंगल का ये वाला जो साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, मैंने आपको क्लास फिफ्थ में भी समझाया था, ये वाला जो साइन होता है किसका होता है, एंगल का साइन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं इसको, एंगल के सामने क्या है, एंगल एम, और एंगल एम के सामने क्या है, एंगल एल, इस तरह से, ठीक है। इसमें भी इसने हमें टू पेयर्स बोले थे, इसलिए हमने इनका टू पेयर्स बनाया, ओके। इसी तरह से एडजेसेंट में आप खुद करना, इसमें क्या करना है, नेबर बताने हैं आपको, ओके। इसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज, अब चलते हैं 4.6 में। ये बहुत ही इजी है, जो आप क्लास थर्ड में भी पढ़ाया आपने इसके बारे में, क्लास फोर्थ में भी पढ़ाया आपने और क्लास फिफ्थ में भी पढ़ाया, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। इसमें कहा है इसने क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट में फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो आप फिगर देख रहे हो साइड में, यहाँ पे लिख बनी हुई है साइड में यहाँ पर, इससे ये इस वाली फिगर से आपको, इस वाली फिगर से आपको ये फिल करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर क्या है, किसी फिगर जो सर्कल होता है उसमें सेंटर होता है, कोण होता है, डायमीटर होती है, इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट भी होते हैं, आर्क होता है, सेगमेंट होता है, ओके, और क्या होता है, सेक्टर होता है, ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये सब तो आपने पढ़ा होगा कि सेंटर क्या होता है, जो बीच में होता है, ठीक है, इस तरह से। रेडी क्या होती है, जो सेंटर से सर्कल की जो सेंटर होता है उससे जो बाउंड्री की तरफ जो लाइन टच होती है वो आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। डायमीटर क्या होता है, जो आपका सर्कल होता है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती चली जाती हूँ, बोलती रहती हूँ, ठीक है, या फिर आप खुद फिल करना, मैं आपको बस एक बार प्रॉपर वे में समझा रही हूँ। सर्कल है, इसके अंदर एक क्या होता है, सेंटर होता है, जो लाइन ये पूरी टच होके जाती है, यानी कि इस तरफ भी टच हो इस तरफ भी, इसको क्या बोलते हैं, हम डायमीटर बोलते हैं। अब जो सेंटर से एक तरफ टच होती है बाउंड्री की तरफ, उसको बोलते हैं हम रेडी। तो ज़रूरी नहीं कि एक सर्कल के अंदर एक ही रेडी हो, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, ठीक है। अब जो एक होती है आपकी कोण, कोण क्या होती है, वो दोनों तरफ टच होती है, उसका ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर से होके जाए, लेकिन जो डायमीटर होती है आपकी, डायमीटर जो होती है वो आपकी सेंटर से होके जानी कंपलसरी है, ठीक है। सेक्टर क्या होता है आपका, सेक्टर होता है स्टूडेंट्स आपका, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, सेक्टर वो हिस्सा होता है सर्कल के अंदर का जो दो रेडियस के बीच में आर्क होता है। तो आर्क कैसे बनता है मैं बताती हूँ, जैसे कि सर्कल है और ये मेरी दो रेडियस है, तो इसके बीच का जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर बोलेंगे। और सेगमेंट क्या होता है, सपोज ये सर्कल है और ये आपकी कोण है, ठीक है, तो कोण के द्वारा ये वाला जो पार्ट है, ये जो इसको अगर हम ऐसे फिल कर दें, तो ये अगर मैं इसको नाम दे दूँ ई और एफ, तो ये क्या लाएगा आपका हिस्सा, आपका सेगमेंट, ठीक है। और अब ई एफ है तो ये वाला पार्ट बचा, तो ये भी इसका एक तरह से क्या होगा, सेगमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर वन जो है कंप्लीट है। सेम जो क्वेश्चन नंबर टू है इसी तरह से रिलेटेड है, इनसे ही रिलेटेड है, जैसे कि इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो कोण, क्या जो डायमीटर होती है वो कोण कहलाती है, यस, ठीक है। इज एवरी कोण ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर, यानी कि सभी जो कोण होती है क्या वो डायमीटर होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि जो कोण होती है वो आपकी सेंटर से होकर नोट नहीं जाती, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन डायमीटर का कंपलसरी होकर जाना है सेंटर से आपका, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका क्वेश्चन नंबर वन जैसा है सेम, ठीक है। इसको आप वैसे तो मैंने इसको किया हुआ है आपके इस पेपर पे, बट इसको आप फिर भी खुद फिल करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखकर इसको समझेंगे और इसको तब फिल बनाएंगे रफ कॉपी पे भी। क्वेश्चन नंबर जो फोर है वो आपका ट्रू फॉल्स में है, जैसे कि मैं एक बार आपको इसको यहाँ से रीड कर देती हूँ। टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, यानी कि जब दो डायमीटर होती है सर्कल के अंदर, क्या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को कट करेंगी, यस करेंगी। जैसे कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, यानी कि दो डायमीटर है, सेंटर है, तो इस तरह से कट करके जा रही है, तो ये आपका इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, तो सेंटर जो होता है हमेशा क्या वो इंटीरियर होता है, यस इंटीरियर ही होगा, क्योंकि सेंटर यहाँ है, इसका ये ओ है नाम रख दिया हमने, तो ये क्या है इसका सर्कल के अंदर का इंटीरियर है, ठीक है, इसलिए भी ये ट्रू है। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें क्या करना है कि आपको सर्कल बनाना है और उसमें सेंटर भी शो करना है आपको, रेडियस भी शो करनी है। ये जो क्वेश्चन नंबर वन है ना सेम ऐसे ही है, सारी चीज़ें इसमें शो करनी है आपको अंदर, और फिर उनके नेम भी लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ए को हमने सेंटर दिया, नाम क्या ओ दिया, रेडियस को जो नाम दिया वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है, या खुद फिल करना। आई होप कि आपको एक्सरसाइज जो है ये समझ आई हो अच्छे से, ठीक है। जो भी कोई प्रॉब्लम होगी जब आपके रिवीजन होगा, जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी जब आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो जब रिवीजन कराया जाएगा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है किसी क्वेश्चन में, आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, तो आप मुझे मैसेज कर देना कि मैम हमें ये चीज़ समझनी है, तो आपको बताया जाएगा, उसके बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।